गुण का मतलब होता है कि संतान जो उत्पन्न होगी वो स्वस्थ होगी कि नहीं होगी, ये मिलाया जाता है। तभी 2016 में इसकी वो अच्छा था, 2 साल का था, तो हमने उसको लसीकरण करवाया तो उसकी मिर्गी आ गई, मिर्गी से उसका ब्रेन डैमेज हो गया। इसके ब्लड सेल जो है ना RBC, उसका जो साइज है वो नॉर्मल से ही बड़ा। सुयेश नाम है। हाँ बच्चे, बताओ। बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, जब से ये घटना उसके साथ हुई तभी 2016 में इसकी वो अच्छा था, 2 साल का था, तो हमने उसको लसीकरण करवाया तो उसकी मिर्गी आ गई, मिर्गी से उसका ब्रेन डैमेज हो गया। क्या कराया था आपने? लसीकरण, वैक्सीनेशन, ट्रिपल बूस्टर डिस का इंजेक्शन दिए थे, उसका रिएक्शन आ गया और तभी से धंधा चौपट हो गया, कर्जे बढ़ गए, फैक्ट्री बैंक ने बेच दी, 20 करोड़ के पैकेट 4 करोड़ में बेच दी। वैक्सीनेशन कराया था? ट्रिपल बूस्टर डोज। किस चीज़ का? बुखार नहीं आवे करके, 2 साल में ही करते हैं ना। अच्छा चलो, वो तो खैर स्मृति का कारण होता है बेटा, ये तो बहाना है जिसके कारण होगा, वो तो स्मृतियाँ हैं, आपको कहीं पर भी किसी बहाने से डैमेज कर सकती है। हाँ आँखें बंद करो, चलो। कितना लोग रखे DNA में? 4 लोग है, ये पत्नी है, वो लड़की है, ठीक है, उसके बाद ये है। आंखें बंद करिए, एक दूसरे को टच करिए, टच करके खड़े हों, आंख बंद करें। इसका हृदय देखो, बच्चे का हृदय, मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली सभी मिल गए, खोल दीजिए। पांच बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, इसको बेटा क्या रहा है, इसको समस्या पैदाइश ही रही है,
ठीक है, लेकिन वो जो लगा जो वैक्सीनेशन जो हुआ बाद में, हाँ, उसके कारण एकदम से ख़राब हुआ है ना। लेकिन प्रॉब्लम इसको पहले से ही इसको थी प्रॉब्लम, ठीक, क्योंकि इसका पूरा ब्रेन समस्या जब पैदा हुआ तभी समस्या थी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो समस्या क्रिएट की इसकी, यह है ना, इसके हृदय में छेद है, बन गया। इनकी माँ को भी समस्या हो रही थी, हाँ, जब पेट में था तो इनको बहुत समस्या हुई है इनको, और इसके हृदय में भी छेद है बच्चे के, हाँ, मैंने लिखा है हृदय में छेद लिखा है हृदय में छेद, ऐसे करके आर पार है। हृदय के बारे में कोई बताया नहीं है, ब्रेन का ही देखा। अच्छा किया नहीं बताया है, ऐसा छेद है। ऐसा है हृदय, और मस्तिष्क इसका ऐसा हलवा बन गया बिल्कुल, अंदर से ब्रेन काफी डैमेज हुआ इस तरह से। और इसका जो क्या होता है, और इसका काले काले स्पॉट हैं जगह जगह अंदर, और इसका जो बोन मैरो है वो भी गड़बड़ हो गया है। वो क्या इंजेक्शन दिए थे पीछे, हैं, वो डैमेज करवाए थे पीछे स्पाइन से, हाँ, जब ये मिर्गी आ गई ना, हाँ, तो बोन मैरो से उन्होंने वो उसका वो निकाला, बोन मैरो निकाला था, हाँ, निकाला था, तभी तो एक बार की जगह पे 5 बार डैमेज किए उधर, हाँ, तो वो भी बोन मैरो दूषित है, हाँ, इसके ब्लड सेल जो है ना RBC उसका जो साइज है वो नॉर्मल से ही बड़ा है, जो RBC होता है ना वो उसका साइज बड़ा है थोड़ा, उसके कारण से भी समस्याएं इसको हो रही हैं, तो काफ़ी एबनॉर्मल है। ऑटो इम्यून तो है, उसी में आता है तमाम चीज़ें, ऑटो इम्यून समस्याएं बच्चे की, इसकी स्मृति नहीं बनती, इसको एक काम करे तो इसको याद नहीं रहेगा, तो इसके अंदर स्मृति नहीं जाती, स्मृति होती नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पाती ब्रेन में, इस वजह से प्रॉब्लम होती, थक जाता है बच्चा, कोई काम नहीं कर सकता है उसको। मिर्गी रात में आती है सोने के बाद, हाँ, वो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, आप उसको मिर्गी कह सकते हैं, वो झटके मारता है, ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश, हाँ, करता, हाँ, है, हाँ, ब्रेन बॉडी से जो ऑक्सीजन पहुंचाने की ब्रेन कोशिश करता है ताकि बच्चा जिंदा रहे, इसलिए आपको झटके आते हैं उसको, आपको मिर्गी कह लो उसको आप, तो वो रोग नहीं है, वो तो शरीर को जिंदा रहने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलो इसके लिए असाध रोग हवन भी कर लेना बेटा, अच्छा, या असाध रोगी है, ठीक है, ये फ्यूचर में क्या नाम है, पहले जैसा हो जाएगा, नहीं, क्या नाम इसका, ओम है, ऐसे चलता फिरता बोलता तो होगा, बस ये समझो कि जिंदा लाश है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बोला ना भी आपको तमाम चीज़ें, जॉम्बी बन गया बिल्कुल, जितना बोलोगे उतना ही बस कर सकता है थोड़ा बहुत, बाकी ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहो बेटा। और ये है कि जो स्मृतियाँ जिनके कारण ये डैमेज हुआ वो सब नष्ट हो गई, अब वो शेष नहीं है, जिनके कारण इसको रोग बना, ठीक है, उसी के कारण ये समस्या हुई। इसीलिए बोला जाता है कि शादी के पहले परिवारों की शुद्धि होनी चाहिए, ताकि माता पिता जिनसे बच्चों की उत्पत्ति हो, ठीक है, वो कम से कम शुद्ध हों, तो आने वाली जो संतान है वो शुद्ध रहे, पवित्र रहे और स्वस्थ रहे। जो गुणों का मिलान होता है, लड़का और लड़की का ध्यान है ना, पंडित जी मिलाते हैं ना, हाँ, कितना गुण मिल रहा है लड़के लड़की का, सुना होगा, हाँ, सुना, तो गुण का मतलब ये नहीं कि आपका आपस का व्यवहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिलाया जाता है। अगर विचार मिलने लगे फिर तो और आफत हो जाएगी, हैं, अगर विचारें मिलने लगा, आपने कहा रात घूमने जाएंगे, पत्नी बोली हम भी अकेले घूमने जाएंगे, तो फिर तो विचार मिलने लगे ना, एक ऐसे विचार हो गए। ये गुण का मतलब होता है कि संतान जो उत्पन्न होगी वो स्वस्थ होगी कि नहीं होगी, ये मिलाया जाता है, समझ गए, हाँ, तो ये सब पंडित जी लोग मिलाते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या मिलाते हैं, भगवान जाने, लेकिन इसका लेपन जारी रखिएगा, नंबर 1 लेपन कंटिन्यू, और दूसरा बेटा
ये महाहवन जरूर कर लेना, ये निःशुल्क है असाध रोगों के लिए, दरबार की ओर से कराया जाता है असाध रोगियों के लिए। तो कोई डेट लेना अभी ऑफिस से, आ करके अकेले इसका संकल्प लेके कर लेना, ठीक है। और हमारा बिजनेस कार्ड जो वो सब बहुत बढ़िया चलेगा, सब अच्छा होगा। बाकी और सब अच्छा है, इनकी आपकी पत्नी अच्छी हैं, इनको तमाम प्रॉब्लम थी यूट्रस में, ओवरी में इनको प्रॉब्लम थी सारी, हर्निया का प्रॉब्लम, वो सब नष्ट हो गई। अच्छा, जो इनको तमाम प्रॉब्लम थी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी पत्नी को, ना बिटिया को प्रॉब्लम छोटी वाली को, ठीक है, सब बढ़िया। बच्चे को भी कोई नहीं है, पहले से इम्प्रूवमेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अच्छा, वो खड़ा रहे और नहीं नहीं ये बात तो नहीं बता सकते ना इतना, वो लंबे से उसके लिए आए गुरु जी आपका करिए आशीर्वाद मिला, ये हमने इसीलिए दिया आपको, दरबार की ओर से असाध रोगों के लिए कराया जाता है ये महाहवन निःशुल्क, 1,00,000 रुपए का होता है महाहवन, ठीक है, निःशुल्क होता है ये आपके लिए है। नमस्ते, इसी के लिए करना जाए। हाँ बेटा नमस्ते गुरु जी, खुश हो, अब नहीं है, 3 हर्निया है मेरे मुझे। हाँ अब कोई प्रॉब्लम लग रही है अभी? अभी तो कुछ पता नहीं लग रही, प्रॉब्लम है अभी नहीं है कुछ। हाँ वो हार्निया नहीं थी, वो हार्निया नहीं थी, हाँ जिसको हार्निया बताया जा रहा था, ठीक है, हाँ इसीलिए ठीक है। यूट्रस शायद हाथ रखिए अपना, यूट्रस में ऊपर रखिए, इधर आँख बंद कर लिए, लग रहा कोई प्रॉब्लम है भैया? ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है इधर बस। चलिए लेपन करिए बेटा सिर पर थोड़ा, अच्छा अभी वहाँ आपको कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का, कोई कष्ट हो तो बता सकते हो, खुश है, बाकी कोई किसी कष्ट नहीं, प्रसन्न रहिए।